दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है बिहार में। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे, और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम में। कार्यक्रम के लिए तो वो आज आ ही रहे हैं पटना, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे, ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए, तो मैं खुली चुनौती देता हूं वो बताएं। वो तो 2016 में जगे हैं, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है।